इज व्हेन वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स चार्ज एंटर्स इनटू द फील्ड परपेंडिकुलरली. नाउ हियर आई विल ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस क्रॉस. तो एनीवन कैन गिव द आंसर? कैन यू गिव प्रॉमिस व्हाट? परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. एंड यस, एक तो जिस सरफेस पे हमने ये ड्रॉ किया है क्रॉस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर है एंड गोइंग इनटू द सरफेस. इनटू द सरफेस, दिस इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड इट शोज इट इज गोइंग इनटू द पेपर. वेरी गुड. अब यहां से हम चार्ज लेके जा रहे हैं. टेकन अ चार्ज क्यू ऑफ मास एम एंड विद वेलोसिटी वी. दिस चार्ज इज मूविंग इन टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बोर्ड. इट मीन्स वी एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे ही अगर मैं ऐसी एक बाउंड्री बोल दूं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री, तो जैसे ही यहां पे आएगा इसके ऊपर क्या लगेगा? एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स. एंड आई फाइंड करते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लॉरेंट फोर्स व्हेन इट इंटर्स परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड. लेफ्ट हैंड इनटू कहां लगेगा फोर्स? ऊपर की तरफ लगने वाला है. कितना लगेगा? ऊपर. मींस जैसे होगा ये इंटर करेगा ऊपर चला जाएगा. ओके, मींस इस फोर्स येगा ऐसा लगना शुरू हो जाएगा लाइक दिस. अब आप पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसे बना दिया. इसके लिए मैं एक और नाम बना देता हूं. वहां पे चार्ज को अंदर लूंगा, मैं टर्न लेगा ऊपर की तरफ. आप बोल सकते हैं कि इट शुड गो स्ट्रेट, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है. और आपने चार्ज को ही अंदर लूंगा एंड विल डिस्कस व्हाई इट इज मूविंग नॉट ऑन स्ट्रेट पाथ. ये प्लस नहीं है, ये क्रॉस है. चलिए, अब मैंने यहां पे एक चार्ज ले लिया है. यहां पे चार्ज क्यू लिया है. मान लो कि ये चार्ज यू मूव हो रहा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी. आपको पता है कि जो फोर्स है कहां गया ये फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी. तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है भाई? अगर आप पता करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. फोर्स यू लग रहा है, और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे फोर्स लग रहा है, एफ यू लग रहा है. ठीक है, ऐसा लगेगा तो पक्का है ये चार्ज यू मुड़ जाएगा. ऐसे मुड़ेगा तो आप देखेंगे कि यहां पर भी फोर्स कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर यू लगने वाला है. फिर ये यू मुड़ जाएगा ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर फोर्स लाइक दिस. एंड ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर फोर्स इट विल मूव लाइक दिस. अगेन फोर्स एक्ट लाइक दिस एंड ड्यू टू दिस इट विल टेक टर्न वंस अगेन लाइक दिस. एंड ऐसा फिर ऐसे ही पाथ चलता जाएगा एंड यू विल सी कि ऐसे मूव करना शुरू कर देता है. I have taken this velocity vector of this length. Of if you take this velocity vector just like point size, तो पता है क्या होगा? जो हमने ये बनाया है, ये अगर आप इस velocity vector को छोटा लेंगे, तो turning fast होगी and it will move on circular path. ऐसे मूव होगा ये. यहां पर भी देखिए कैसा है ये सर्कुलर पाथ है, लेकिन हमें सिर्फ एक आर्क मिला है. इसके बाद तो जैसे फील्ड से बाहर आएगा इट विल अडॉप्ट स्ट्रेट पाथ. फील्ड के अंदर पाथ सर्कुलर है, यहां पे सिर्फ आर्क दिखा है. हमने यहां पे अंदर लिया है इसलिए हमको कंप्लीट सर्कुलर पाथ मिला है. अब मैं इस पार्ट को तो रफ कर देता हूं. इतना आपने सीख लिया कि व्हेन अ चार्ज enters into the magnetic field perpendicularly, it adopts circular path due to magnetic force acting perpendicularly to the direction of motion.
मोशन. एक कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा, क्या पता है, कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और यू कैन से इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो. और अगर वर्क डन जीरो है then that force will not change kinetic energy as well as magnitude of velocity. तो वो बदलेगा नहीं, केवल क्या करेगा, direction बदल रहा है due to this perpendicular force. Only direction changes and under this perpendicular force, under these perpendicular force, charge moves perpendicularly. Charge moves on circular path. And आपको पता है, for any circular motion, sufficient and required conditions what? There must be centripetal force. And here, centripetal force is provided by the magnetic force Fm. आइए लिखते हैं यहाँ पे. When Q enters perpendicularly in magnetic field B due to perpendicular force, perpendicular magnetic Lorentz force Fm, it moves on circular path, as we know that for circular motion, centripetal force is added. Centripetal force is required, which is here provided by magnetic Lorentz force Fm is equal to QVB is equal to mv square by r. fm actually qv cross b hai, see here, but yahan pe theta is what, perpendicular ka matlab theta is what, 90, and sin 91 hota hai, to humne sirf qvb likha hai, and that is mv square. ye kya hai, mechanically aapne dekha hai centripetal forces mv square by r, where m is the mass of charge particle, v is the linear. yahan pe likh dete hain, chaliye equation 1 yahan pe rakha, and I'm writing here m mass of charge particle, या फिर मैं सीधा लिख रहा हूं particle, and v यहां पे हमने magnitude लिखा है, linear velocity, linear speed, not velocity, linear speed, and r radius of circular path. मतलब ये सब क्या है, radius है. यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ये है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो इट विल एडॉप्ट सर्कुलर पाथ. जब फोर्स नहीं लगता है तो स्ट्रेट पाथ है, एंड जब परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन करेगा. एंड यू हैव लर्न्ड इन 11th इन मैकेनिक्स, फॉर एनी सर्कुलर मोशन centripetal force mv square by r is required, and in case here that force is given by Lorentz force qvb. to ye seekh liya, ab zara dekhte hain what are the parameters connected in this motion. you can find radius of circular path, you can find velocity of motion, you can find kinetic energy, you can find time for one complete circle, frequency, everything, and we'll discuss all those parameters connected in this motion when charge enters into magnetic field perpendicularly. okay, let's see radius.
हमने यहां पे रेडियस आर लिया है। अब जो हमने पहला ग्राम बनाया ना, यहां पर भी रेडियस ले सकते हैं, ऐसा गया तो कहीं रेडियस सेंटर यहां पे होगा तो ये रेडियस हो जाएगा ऐसे, इट मे बी लाइक दिस। चलिए रेडियस के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एज क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों कैंसिल, वन बी मिलेगा आपको, क्यू बी इज इक्वल टू एम बी बाई आर। तो यहां से सिंपली क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। दिस इज द रिलेशन फॉर रेडियस व्हेन चार्ज इंटर्स परपेंडिकुलरली एंड इट अडॉप्ट्स सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस है, एम क्या है मास ऑफ द चार्ज, क्यू क्या है चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है वो क्यू है, मींस एम एंड वी दीस टू आर कांस्टेंट। इसका मतलब जो रेडियस है इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको ऐसा भी यहां पे डिस्कस तो कर सकते हैं, इफ वी इज कांस्टेंट देन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन इफ यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बी रेडियस विल डिक्रीज और वाइस वर्सा, एंड इफ बी इज कांस्टेंट, इफ बी इज कांस्टेंट तो पता क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। If you have taken magnitude of magnetic field intensity constant, then if you increase velocity, radius will increase. Circular path क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, कब, जब b constant है then। याद रखिए एक एक constant होने पे ही हमने ये find किया है। चलिए this is the relation for radius। Now बोलो sir, ज्यादा ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब ज्यादा रेडियस, डिफ्लेक्शन नहीं ज्यादा वेलोसिटी, स्प्लिट ज्यादा होगी तो पाथ बड़ा हो जाएगा। सर बड़ा पाथ मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन, जैसे कि इन्होंने प्रोटॉन दे दिया और हीलियम एटम दे दिया। ज्यादा स्पीड मतलब लेस डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो फटाक से टर्न हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ तो अगर स्पीड ज्यादा है, जैसे मान लो कि अगर गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे हो आप, स्पीड अगर 80 पे है एंड इफ यू वांट टू टेक टर्न ऑन एनी कर्व पाथ, तो आप तुरंत टर्न ले पाओगे या फिर लंबा पाथ लेकर के टर्न लेते हो? लंबा पाथ लेकर, लंबा तब आपका डिफ्लेक्शन होता है बट वो स्लो स्लो होता है। अगर स्पीड स्लो है तो आप फटाक से टर्न ले, इवन यू कैन टेक 90 degree टर्न, बट अगर स्पीड फास्ट है देन यू कांट टेक, तो आपको लॉन्ग पाथ लेना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन होता है बट इट विल स्लो 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 डिफ्लेक्शन, नॉट फास्ट डिफ्लेक्शन, सडन डिफ्लेक्शन नहीं होता। सेकंड इज बी, बी मतलब मैं ले रहा हूं यहां पे, चलिए स्पीड लिख रहा हूं नॉट वेलोसिटी, स्पीड वी, सेम फॉर्मूला। देखिए वहां से क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू b r by m, यह है वेलोसिटी, यह है वेलोसिटी, m तो कांस्टेंट है q कांस्टेंट है, देन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स b एंड r। चलिए ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। c इज वेरी, थर्ड पैरामीटर मैं बात करने जा रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी का। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस, फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज अभी आपके पास 20 मार्क के जो क्वेश्चन हैं, 1 mark, 20 क्वेश्चन 1 mark के हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी हैव लर्न्ड इन 11th, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, v is equal to
r omega. आइए इसके यू कैन एड दिस इक्वेशन वन दिस इक्वेशन टू. नाउ मैं लिख रहा हूं फ्रॉम टू v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड इट इज व्हाट क्यू बी आर बाई एम क्यू बी आर बाई एम. यू कैन कट r एंड r देन यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम क्यू बाई एम. एक्चुअली क्यू बाई एम का एक नया नाम है आपको पता होगा शायद. क्यू बाई एम क्या होता है चार्ज अपॉन मास चार्ज स्पेसिफिक चार्ज अपॉन या इट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक नेम इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज. अगर इसको मैं कॉन्स्टेंट मान लू स्पेसिफिक चार्ज को फॉर एनी गिवन चार्ज पार्टिकल देन एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी. इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस. चलिए अब मैं लिख रहा हूं टाइम पीरियड इसको दिखा रहा हूं कैपिटल टी से. आपको पता है क्या ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी पता है क्यू बी बाई एम. तो यहां से टी क्या मिल जाएगा टी इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. इक्वेशन फोर यही पे अगर मैं लिख दू फ्रीक्वेंसी क्योंकि मैं दोनों एक साथ में डिस्कस करूंगा फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से दिखा रहा हूं एंड न्यू इज इक्वल टू होता है वन बाई टी दिस इज क्यू बी अपॉन टू पाई एम. इक्वेशन फोर एंड फाइव फटाक से लिखिए देन विल डिस्कस दिस टू. इन दोनों में इन टी एंड दिस न्यू velocity is not present means time period of circular path and frequency of circular path does not depend upon the speed how fast particle is moving. It means what? Agar speed jyada hogi to it will adopt longer circular path but time it will take same. Agar speed kam hogi it will adopt smaller circular path but time period will be same. It means here time period and frequency is independent of speed. Very important conclusion. That is T and hence nu is independent of speed of moving charge. Speed of moving charge. Okay, एक और कर लेते हैं that is very important. That is what kinetic energy is equal to what half m v square. Half m रहने दीजिए and v take from equation 2. V square कीजिए. See here q square b square r square upon m square. I have taken v square, q square, b square, r square upon m square. You can cut one m and आपको क्या मिल जाएगा यहां से k is equal to q square, b square, r square upon 2m. This is the kinetic energy of the particle moving on circular path in magnetic field. Note कीजिए all these parameters are very important. Especially for numerical point of view. अगर आपको ये सब याद होंगे then you can easily reply the answers of those questions based on these concepts. Theta is greater than 0 and smaller than 90. इसको एक साथ कैसे ले सकते हैं भाई 0 ऐसा. थीटा मीन्स व्हाट अगर v एंड b के बीच में एंगल इस रेंज में हो मोर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 देन व्हाट विल हैपन.
आइए ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम। ओरिजिन एक्स एक्सिस चलो मान लेता हूं बी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज शोन अलोंग दिस एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एंगल थीटा विद वेलोसिटी वी। अब कुछ नहीं करना है आपको, यू नो फर्स्ट आई विल रिजॉल्व दिस बी इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट अलोंग द बी ये क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा वी साइन थीटा। आपको पता है इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द बी इट विल अडॉप्ट लीनियर पाथ स्ट्रेट पाथ, पर्पेंडिकुलर है तो क्या होगा सर्कुलर पाथ। बट हियर द पाथ ऑफ मोशन इज कंबाइंड ड्यू टू दिस पैरेलल कंपोनेंट ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसलिए हियर जो मोशन का पाथ होगा दैट विल बी बोथ ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट इट विल कवर सम लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इट विल अडॉप्ट सर्कुलर पाथ। तो ये जो केस है इसमें पता है एक हेलिकल पाथ बनेगा, हेलिकल पाथ।